आईपीएल खत्म हो गया और क्या फाइनल मुकाबला था। ओ माय गुडनेस, इससे बड़ा थ्रिलर, इससे बड़ा एक्साइटमेंट, इससे ज्यादा पैशन, एग्रेशन मैंने किसी बी ग्रेड पिक्चर में देखा है। अगर आईपीएल का स्क्रिप्टेड होता है ना, तो आईपीएल का जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको पहली फुर्सत में जॉब से निकाल दो यार। भाई ने कितनी बकवास स्क्रिप्ट लिखी यार फाइनल की। मतलब जी मैच में हुआ क्या? तो जी मैच के अंदर हुआ ये कि सबसे पहले टॉस जीता पैट वियर ने टॉस जीत के बोला हम बैटिंग करेंगे। ठीक है, पिछली बार टोटल डिफेंड करके आए थे तो बात तो सही थी, कर ली बैटिंग। आए पहली दो गेंद अभिषेक शर्मा ने छोड़ी, तीसरी पे उन्होंने टॉप पे वो बॉटम एज से पुल किया तो फील्डर से थोड़ा सा आके गिर गई, उसमें बच गए वो। फिर दो रन लेने गए, उस पर रन आउट से बाल बाल बचे। और पांचवी बॉल पे आके मिचेल स्टार्क की एक बड़ी ही प्यारी डिलीवरी, जो कि शायद कंटेंशन में है बॉल ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जिताई जाने के लिए, जिससे उनकी स्टंप उखड़ गई, वो गए पवेलियन की तरफ और उसके बाद से सर्कस शुरू हो गए। वो सर्कस जिसमें केकेआर के रिंग मास्टरों के सामने एसआरएस के शेर करतब करते रहे और अपनी विकेट फेंक फेंक कर पवेलियन में जाते रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोशिशें कुछ की तो सिर्फ किसने की? पैट कमिंस ने की। वो भी ऐसा लग रहा था कि कप्तान अपनी ही लेगेसी बचाने के लिए खेल रहे थे, वो चाहते थे कि वो चार बड़ी ट्रॉफी से एक साथ में उठाए। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ऐसा हो ना सका, वो भी आउट हो गए और केकेआर ने टारगेट दिया बहुत ही विशाल, 113 रनों का। भाई मारो, मुझे मारो। इन तेरे 113 रनों को पीछे करने के लिए एसआरएच मैदान में उतरी तो जी मामला ये हुआ कि नारायण नारायण आउट हो गए छक्का मारने के बाद। फिर उसके बाद में जी थोड़े से सीन्स चालू हुए, वेंकटेश अय्यर आया तो उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की क्लास लगाई और 10 ओवर्स में आसानी के साथ 8 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये टाइटल चेस कर लिया और बन गए तीसरी बार आईपीएल 2024 के और विनर्स। कोई सेंस है इस बात की? आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी ठंडी क्यों है, मुझमें एक्साइटमेंट क्यों नहीं आ रहा। तो भाई साहब अपने राइवल को कप उठाता देख कर किसके अंदर एक्साइटमेंट आता है आप बताओ। अगर आरसीबी बाय चांस यहां तक पहुंची होती तो अभी तक तो हम एक्साइटमेंट से आपके स्क्रीन के पर्दे फाड़ देते, माफ कीजिएगा आपके कान के पर्दे फाड़ देते, आपकी स्क्रीन का डिस्प्ले तोड़ देते, इतने रंगीन विजुअल्स दिखाते हम आपको। लेकिन केकेआर जीती तो आप फीकी फीकी विजुअल से ही काम चलाइए और मेरी शक्ल देख लीजिए। बाकी तो यार करते हैं टूर्नामेंट की बात, तो टूर्नामेंट एट होल तो काफी अच्छा रहा, चीजें बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं। अगर बेस्ट मूवमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा मूवमेंट कोई नहीं हो सकता जब आरसीबी ने लगातार 6 मैच जीतने के बाद यश दयाल ने अपनी नर्व्स को वो किया तो उसके बाद में उन्होंने डिफेंड किए 11 रन 5 बॉलों में, माइटी महेंद्र सिंह धोनी को भी आउट किया, इस बात का अफसोस जरूर रहेगा। लेकिन बॉस तब लगा आरसीबी का एग्रेशन, आरसीबी का पैशन, बाकी जलने वाले उसके बाद भी जो भी बोलते रहे उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरे हिसाब से ये था आईपीएल का बेस्ट मोमेंट। बाकी अवार्ड्स की बात करें तो यार सुपर स्ट्राइकर बन गए जैक फ्रेजर मेकर, पर्पल कैप गई पर्पल पटेल यानी हर्षल पटेल को। पंजाब ने सोचा चलो हमने भी कुछ जीता, ट्रॉफी तो हमारी आनी नहीं है, यही आ गई। उसके बाद में ऑरेंज कैप गई हमारे चीकू भैया को, इमर्जिंग प्लेयर रहे नीतीश रेड्डी। उसके बाद में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और ड्रीम इलेवन के, अरे सॉरी माई इलेवन सर्कल के सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स जीतने वाले दोनों ही अवार्ड्स गए सुनील नारायण के खाते। बाकी कोई अवार्ड अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप मुझे बता देना। हाँ, फेयर प्ले मिला पैट कमिंस को। देखो ये भी कितनी आयरनी है ना कि एक ऑस्ट्रेलियन किसी टीम का कैप्टन है और वो फेयर प्ले अवार्ड जीत रही है, बताओ इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है। आईपीएल में कितनी चीजें ब्रेक हुई। तो उसके बाद में यदि बात करें तो यार अब आईपीएल तो खत्म हो गया है, अब आएगा अपना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जिसकी तैयारी में हम लग जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी टीमों के प्रीव्यूज आपको मिलेंगे जितनी भी मेन टीमें हैं। अभी से हम आपको इसी वीडियो में माफी मांग लेते हैं, अगर कोई फैन है नमीबिया, नेपाल, युगांडा, ओमान, पपुआ न्यू गिनी
और कनाडा का, क्योंकि इन टीमों के प्रीव्यूज हम नहीं लेके आने वाले। बची हुई 14 जो टीमें हैं उन पे हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि उनके हमने मैचेस फॉलो किए हैं तो उनका थोड़ा सा आइडिया हमें है, इनके हमने मैचेस फॉलो ही नहीं किए इसलिए आइडिया तो मुश्किल हो जाएगा। और बाकी मैं इनकी प्रीव्यूज डालूंगा भी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्हें देखने में इंटरेस्टेड रहेगा। बाकी अगर आप इन टीम से भी प्रीव्यू चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अभी कुछ ही समय में किसी एक टीम के डिस्कशन के साथ, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप का माहौल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि RCB के लिए तो ई साल कप नमदे नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के लिए तो ई साल कप नमदे करना है ना, अपना बात है।